परम शांति, जो सत्य सनातन जो शब्द है, सनातन का मतलब है हमेशा से रहने वाला, और सत्य सनातन, तो हम आगे लगा दे परम सत्य सनातन, ये शब्द कहाँ से आया? तो ये शब्द ना कोई यूनिवर्स का है, ना ग्रेट यूनिवर्स का है, ना ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स से ऊपर से आया। देखो यहाँ भी हम जैसे हर कोई ब्रह्मांड में देखते हैं ना, हर कोई ब्रह्मांड में त्रिमूर्ति होती है, तीन देवता होता है, त्रिदेव होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ऐसी तरह सबसे पहले मल्टीवर्स में भी त्रिमूर्ति की रचना के, मतलब तीन रचना, निराकारी में भी मल्टीवर्स के मालिक ने, जो 100 कला का मालिक है, मल्टीवर्स का क्रिएटर रचयिता मालिक, उसने सबसे पहले अपने अंदर से एक बहुत पावरफुल निराकार रूप निकाला, और वो निराकार रूप से उसने तीन रचना की, डायरेक्ट तीन रचना। तो वो एक ब्रह्मा विष्णु शंकर, हमने पहले भी मल्टीवर्स में बोला है, वही शब्द ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव, वहाँ से ये शब्द, वहाँ अलग शब्द होते हैं उसका होता है, मगर भावना वही होती है, त्रि त्रि तीन 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 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ये मल्टीवर्स से आया हुआ सत्य सनातन जो है, वही वैसे देखा जाए तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो मूल है वो मल्टीवर्स से क्रिएट हुआ था, और मल्टीवर्स में जब मल्टीवर्स, जब पूरा मल्टीवर्स हमारा 100 कला का ब्रह्मांड, जब हम लगभग 60 कला के आसपास थे, तब तो पहले तो मतलब परम पुरुष ही हुआ करते थे, परम पुरुष ने फिर अपने अंदर से परम प्रकृतियाँ, 60 कला की परम प्रकृतियाँ निकाली, और ये सब 60 कला से आदि सनातन देवी देवता लगभग शुरू हुआ। उससे पहले मतलब देवी देवता माना हाई क्वालिटी आत्माएं, अच्छी सोच अच्छी, तो ये 60 कला वाली जो है वह वहाँ से ही पुरुष में से प्रकृति निकालना, और फिर इनसे और भी सृजन करना, और भी सृजन करता, सृजन करते गए करते गए करते गए, तो पूरा मल्टीवर्स धीरे धीरे गिरता गया गिरता गया, 100 कला से धीरे धीरे नीचे आ गया, 0 कला में, और -100 कला में आ गया। तो 100 कला वाला कहा मल्टीवर्स, आज -100 कला गया, कला का हो गया, आज हम -100 कला में बैठे हैं, आयरन एज में बैठे हैं, वहाँ पहले 100 कला की परम तत्व की दुनिया थी, तब परम पुरुष ने परम प्रकृति को अपने अंदर से निकाला था 100 कला में, 60 कला में, 60 कला में, तो ये 100 कला का मल्टीवर्स भी आज -100 कला में हो गया। तो ये बहुत सोचने की बातें हैं कि ऐसे 21 पीढ़ी वाला भी जो अपने मूल को मतलब एकदम तलवे में नीचे नहीं देखता, इनका मल्टीवर्स का भी बाप, मल्टीवर्स का रचयिता का भी बाप भी कोई नहीं देखता ना पूछता है, सब आज़ाद है, मगर ऐसी आज़ादी किस काम की जिस पर नियंत्रण ना हो, ना कंट्रोल हो, कोई गिर रहा है, कोई गिर रहा तो गिरते दो, गिरते दो, गिरने दो, गिरने दो, को देखता ही नहीं, पूछता ही नहीं, अपना अपना रचयिता, अपने रचना को भी नहीं पूछता, न रचना रचयिता को पूछती है कि हेल्प करो या कुछ क्या किया जाए। तो ऐसी भेद के विश्व में जो कोई कायदे कानून नहीं थे, उनमें अब भेद के विश्व में कायदे कानून लगेंगे, अच्छे लगेंगे, रचना पर, रचना पर कंट्रोल किया जाएगा, रचना टोटली बंद, जिनके पास बहुत पावर लॉस है इनको थोड़ा पावर दिया जाएगा, दूसरे दूसरे ऊपर के कई पीढ़ियों में, बहुत पीढ़ियों में ऊपर में भी पावर लॉस हैं, जहाँ जहाँ भी 40% जो रचयिता है, जैसे 11 लाख 11,000 पीढ़ी वाला है, तो उसको पावर लॉस 40% तक ही पावर रह गई उसके अंदर, तो उसको 60% पावर लॉस है, तो एक बार उसको पावर थोड़ा दिया जाएगा और बोल जाएगा रचना नहीं रचनी है, रचना रचते रचते 60% पावर लॉस हो गया, तो ऐसी रचना नहीं रचनी है कि जिससे पावर लॉस होते होते कभी ना कभी तो गिर जाओगे, फिर तुम उसको वाइंड अप करोगे, विसर्जन करोगे, फिर सर्जन करोगे, तो पावर ऑफ क्वालिटी बहुत कमज़ोर होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी। तो सभी के लिए ऊपर में बेहद के विश्व में कायदा कानून बनेंगे, नो सर्जन, कोई भी सर्जन नहीं करेगा, कायदा कानून लगा दिया है, परम शांति।